बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धरती की कोख से निकली माँ कालिका, जिन्हें रियासत कालीन राजा ने मंदिर बनवाकर मंदिर में बैठाया, लेकिन माता वहां से उठकर पीपल के पेड़ के नीचे विराजी। माँ कालिका मंदिर में आज भी नवरात्रि में बड़वानी रियासत के राजा आते हैं पूजा करने। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय कालिका माता मंदिर से माता नगर के प्रमुख मार्गों से निकली भ्रमण पर जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकलती है रथ यात्रा। रथ पर मां सवार होकर निकलती माता के रथ को राशियों से महिला पुरुषों बच्चों सहित उत्साह से खींच नगर भ्रमण कराया जाता है। माँ कालिका मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार है। यहाँ माता का मंदिर, माता का रथ पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है। स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई है माता की प्रतिमा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। माता जी स्थिर समय से यहाँ पर जो कुआ है, कुएं में से निकली हुई है, और राजा ने इसको स्थापित करने के लिए पास में छोटा मंदिर भी बनाया था, लेकिन वो मंदिर में नहीं बैठी और पीपल के वृक्ष के यहाँ गोड़ में ही आ जाए। एक दो बार उठा के रखी, लेकिन फिर भी बार बार वो वृक्ष पीपल के वृक्ष के गोड़ में ही आके बैठे। लेकिन फिर राजा को स्वप्न में दिया कि भाई ये कालका का रूप है और मैं यहीं रहूँगी, मेरे लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुले में रहना चाहती हूँ। और ये खुले में रह रही है और ये स्टेट समय से राजा महाराजाओं के कुल देवी बनकर बैठी है यहाँ पे। और फिर ये मंदिर को देख के, फिर कालका मंदिर को देख के, फिर सोमदेव रूप के लिए फिर ये दुर्गा जी का मंदिर बनाया गया है यहाँ पर, है ना। और जब जब से ये मंदिर की पूजा पाठन का काम चलते जा रहा है, है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।